हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात करेंगे कि हमारे एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा। टेंथ और ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्जाम नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा, नई मार्किंग स्कीम क्या है, उसके अलावा लेटेस्ट अपडेट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, सीबीएसई एंड अदर बोर्ड की तरफ से क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा हम बात करेंगे DU इग्नोस और NIOS का सेमेस्टर एग्जाम के बारे में कि उनका सेमेस्टर एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जी नीट और रेलवेज के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे सीटेट के पेपर का क्या होगा, उनका 5 जुलाई को होने वाला पेपर भी कैंसिल हो गया, उनके साथ क्या होने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे मैथ्स मिरेकल की यूट्यूब की प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जाकर सेट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप सबसे पहले मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई वालों के लिए। सीबीएसई वालों क्या करेंगे तो सीबीएसई वालों ध्यान से सुनो, 10th 12th का कोई भी पेपर नहीं होने वाला, जितने भी पेपर होने वाले थे सब के सब कैंसिल हो गए। अब कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाला एग्जाम जो भी थे सबके सब कैंसिल हो गया। तो आपकी 10+2 वाला, ये ध्यान से सुन लो कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, आपके रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, हमने तो पेपर दिए ही नहीं, पेपर दिए ही नहीं, 2 से 3 पेपर हमने दिए नहीं, तो ऐसे में हमारा रिजल्ट कैसे आ जाएगा। तो हाँ, ध्यान से सुन लो, अब इसके आगे 10+2 वाले, अगर आपने लॉकडाउन से पहले 4 पेपर दे रखा है और 5वां पेपर पेंडिंग है, तो 4 पेपर के नंबर, यानी कि 4 पेपर का नंबर चेक किया जाएगा और टॉप 3 पेपर्स के नंबर को ऐड किया जाएगा, ऐड करके उसका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद जो 5वां पेपर है उसको एज इट इज उसी नंबर को उसमें पुट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका मार्किंग सिस्टम बन जाएगी, आपके रिजल्ट बन जाएगी, और वही आपको 15 तारीख को दे दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पूछेंगे कि अब मेरा क्या होगा, हमने तो सिर्फ 3 ही पेपर दिए हुए, आप तो 4 के बारे में बता रहे हो। तो यार स्टूडेंट्स, तो अगर आपने 3 पेपर्स दिए हैं तो टॉप 3 पेपर, यानी 3 पेपर में टॉप 3 पेपर होंगे, उनके नंबर्स को कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाल दिया जाएगा, टोटल करके एवरेज, और उसी एवरेज को बाकी दोनों सब्जेक्ट में जो पेंडिंग सब्जेक्ट थे जिनको आपने पेपर नहीं दिया था उसमें वो एज इट इज पुट कर देंगे, और उसके बाद 15 तारीख को आपका रिजल्ट दे देंगे। तो दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि हमने तो सिर्फ 2 ही पेपर दिया था तो मेरे साथ क्या होगा। तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स, चूंकि आपने 2 पेपर दिया था तो दोनों नंबर को मिलाया जाएगा, उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट हुआ था, आपका जो फाइल आपने सबमिट करी थी, और आपका जो प्रैक्टिकल हुआ था आपके स्कूल में, उन सारे नंबर का एवरेज निकाल करके आपको बाकी के सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट आपके बाकी के हैं उसमें वो सारे नंबर एज इट इज पुट कर दिए जाएंगे। तो है ना मजेदार वाली बात। और इसके बाद 15 तारीख ध्यान से सुन लो, 15 जुलाई को फिर आपके ये रिजल्ट अनाउंस। यहां पे एक बात और बताता चलूं क्लास 12 के लिए, कि जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज के बाद क्या होगा, रमेश पोखरियाल साहब का कहना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो चैलेंज करेंगे उनके लिए ऑप्शनल एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, है ना, वो ऑप्शनल एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और वो दोबारा से पेपर दे सकेंगे और उसके बाद रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, अब यहां पे एक अनहोनी हो सकती है कि अगर किसी कारणवश आपका जो नंबर हुआ वो पहले वाले नंबर से मैच नहीं किया, वो कम आ गया, तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने एक बार ऑप्शनल का पेपर चुन लिया, ऑप्शनल कंडक्ट पेपर आपने चुन लिया, तो जो नंबर आपको मिलेंगे वही नंबर आपका फाइनल हो जाएगा और वही आपकी फाइनलाइज हो जाएगा। फिर आप बैक वाले नंबर के कि यार उसमें तो मेरा अच्छा नंबर आया था तो मेरे को वही चाहिए था, तो फिर वो दोबारा आपको ऐसे चांसेस नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए कि 10th के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो भौचक्के होकर सुन रहे हैं कि यार मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, तब से क्लास 12 करे जा रहे हैं। तो 10th के लिए ध्यान से सुनिए, 10th वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी तक कोई भी स्कीम नहीं आई हुई है, जो प्रीवियसली नोटिफिकेशन आई हुई है हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो क्लास 10th क्लास 12 के बारे में तो हमने बात कर ली, बाकी के क्लासेस जो हैं उनका स्कूल कब खुलेगा, कैसे पढ़ाई होगी, तो ध्यान से सुनेंगे। रमेश पोखरियाल साहब का कहना है कि 2020 और 2021 सेशन के जो भी बच्चे हैं उनका 50% सिलेबस कट कर दिया जाएगा। 50% कट वाली बात जब बिहार और यूपी में गुजरेगी, भोजपुर में गुजरेगी, तो वहां के बच्चे बहुत खुश होंगे और कहेंगे अरे गुरु जी हमारा यो बताओ ना कि जो सिलेबसवा कम हुई वो कौन कौन सिलेबसवा हट जाए, सिलेबस में तो इतना सारा सिलेबस बा, कौन कौन हटी। तो भाइयों, इस चीज का नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, जिससे कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके लिए तुरंत एक वीडियो लाऊंगा और तुरंत आप देख पाएंगे और अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। हम बात करेंगे बाकी बोर्ड्स की,
तो सबसे पहले बात करेंगे अपना स्टेट, आपन स्टेट बिहार, झारखंड और यूपी के। तो बिहार और यूपी में तो रिजल्ट आ गेल बा, 10th और 12th के रिजल्ट आ गेल बा, बाकी झारखंड का भी अवेटेड बा, कभी भी रिजल्ट निकल सकला। तो वहां के स्कूल का क्या सीन है, वहां के स्कूल कब खुलेंगे? तो देखो यूपी में अनाउंस्ड है कि 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। अरे बाप रे, का न्यूज दे दिली है गुरुजी। तो सबसे पहले यहां ध्यान से सुनिए कि वो आपके लिए नहीं है बच्चों, वो स्कूल आपके लिए नहीं खुला है, वो सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर आएंगे और वो ऑफिशियल एक्टिविटीज देखेंगे, साथ साथ ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी मटेरियल उनको लगेगा कि बच्चों को हम इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं, तो उस पर विचार होगा और मीटिंग होगी और आपस में बातचीत होगी, कुछ फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, बिहार में क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? तो नीतीश बाबू ये कर रहे हैं कि अपने जो अभिभावक हैं, अपने जो गार्जियंस हैं और बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि स्कूल खुले कि नहीं खुले, स्कूल खुले कि नहीं खुले। और यही बात झारखंड के भी, झारखंड में भी ऐसे ही चल रहा है, हेमंत सरकार यही कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ममता दीदी के राज में क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, पार्थ चटर्जी जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जैसा सीबीएसई जो है आने वाले दिनों में यानी दिल्ली में पेपर लेगा, वैसे ही वो सेम टू सेम अपने स्टेट में भी कंडक्ट कराएंगे। तो अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में क्या है कि 10th का रिजल्ट तो आ गया, ये सब आपको पता है, और 12th का पेपर वहां चल ही रहा था, कोरोना महामारी की वजह से रुक गया। तो कैप्टन साहब का कहना है, वहां के सरकार का, गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना महामारी रुकता है तो वहां पर रेगुलर पेपर होंगे, जो बचे हुए पेपर है वो रेगुलर होंगे और रेगुलर यानी कि प्रॉपर तरीके से पेपर और प्रॉपर तरीके से ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। राजस्थान में क्या है कि 10th और 12th का दोनों का पेपर चल रहे हैं और उनके पेपर चल रहे थे, फिलहाल वो पेपर रुके हुए और आने वाले दिनों में उनका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से इनका भी आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे NIOS की। NIOS मींस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इनके क्या है, इनके सारे पेपर कैंसिल हो गए हैं जब तक कि दूसरा नोटिफिकेशन ना। अब हम बात करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए। इग्नू मींस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। इसमें क्या था, इनमें प्रैक्टिकल के पेपर होने वाले थे, अब ये सारे प्रैक्टिकल के पेपर कैंसिल हो गए हैं जैसा कि नोटिफिकेशन आया है। लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो कि बच्चों के थॉट होते हैं, बच्चों के सपना होते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना नाम लिखवाएं, है ना। तो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर यानी लास्ट ईयर यानी थर्ड ईयर के बच्चों को, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है कि 10 तारीख से, ध्यान से सुनिएगा, 10 तारीख से, यहां गौर करने वाली बात है, 10 तारीख से उनके पेपर होने वाले हैं। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है आज 5 तारीख, और तब तक कोई भी नोटिफिकेशन फ्लैश नहीं हुआ है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और आपको फुल प्रिपरेशन के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करना। बात करेंगे कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए, कॉम्पिटिटिव पेपर में क्या होने वाला है, इनके बीच क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे SSC की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर में सबसे ज्यादा जो पेपर कंडक्ट करता है वो SSC है। अब SSC के अंदर भी ढेर सारे पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, कौन कौन से कराए जाते हैं जरा ध्यान से सुने। पहले CHSL, ध्यान से सुनो, CGL, JE, स्टेनोग्राफर, LDC, उसके बाद MTS, उसके बाद CEO, ट्रांसलेटर, ढेर सारे पेपर, SSC के सारे पेपर पोस्टपोन्ड है। अच्छा, इसके अलावा हम बताते चले आपको कि इनके टेंटेटिव डेट आ गए हैं। टेंटेटिव मींस कोई डेट आपका फाइनल नहीं है जब तक ये महामारी चल रहा है, अगर ये महामारी क्लियर हो जाएगा तो टेंटेटिव को वो फिक्स डेट में बदल देंगे, है ना। तो टेंटेटिव का मतलब फिलहाल अभी डेट दे रखा है, आप SSC की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं और अपना रिलेटेड एग्जाम का डेट आप लेवल एग्जाम जी और नीट, जी का टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखा है 18 से 23 जुलाई के बीच में। तो उम्मीद है ये पेपर इन्हीं डेट के बीच में होंगे। और नीट का पेपर 26 ऑफ जुलाई को इन्होंने अनाउंस कर रखा है। बट यहां पे एक लोचा ये फंस रहा है कि CBSE वाले के पास इनके जो गार्जियंस हैं, इनको जो पेरेंट्स हैं, उनका लगातार मेल, ईमेल और इसके अलावा आपके मैसेजेस जा रहे हैं। रमेश पोखरियाल साहब को आप मेल लिख रहे हैं कि भाई हमारा ये कोरोना महामारी के चक्कर में हमारा ये जो एग्जाम्स का है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। तो हो सकता है कि नीट वाले और जी वाला डेट भी CBSE के तर्ज पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे। तो फिलहाल हमें उस सब पे ध्यान नहीं देनी है और हमें 26 और 18 to 23 ये दोनों डेट के बीच में अपनी प्रिपरेशन को तैयार करके चलें। अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते जा रहे हो डे बाय डे, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो YouTube में इतने सारे क्रिएटर्स हैं, एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो आप जिस किसी भी टीचर का वीडियो देखते हो आप देखो,
आप खुले में देखो, मैं नहीं कहूंगा मेरे चैनल को देखो, लेकिन हां अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लगता है कि ये आने वाले दिनों में बहुत ही कामदायक और लाभदायक होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स मिरेकल पे ढेर सारी वीडियो है जो आपके काम की है। चूंकि हमारा चैनल अभी अभी नया है, बिल्कुल एकदम न्यू चैनल है, तो हमने सारे वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं, बहुत ही कम वीडियो है, तो जो भी वीडियो है, लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे ये पूछूंगा कि आप एक बार जाकर के देखो और मुझे बताओ कि क्या वो सारे वीडियो से, YouTube के जितने भी वीडियो हैं, सबसे अलग हैं या नहीं है, यूनिक है नहीं। अगर है तो आप लाइक्स कर देना और नीचे में जय हिंद लिख देना, क्योंकि जय हिंद लिखने से एक देशभक्ति की भावना जगती है और ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा चीजें करूं। इतना ही, लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात और याद दिला दूं कि 15 तारीख को 10+2 का रिजल्ट आने वाला है और जो हमारा बच्चा पास होएगा इसी वीडियो के ऊपर जाकर के दोबारा से जय हिंद लिखेगा कि सर हम सक्सेस हो गए, और अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स उसमें लिख देंगे कि मैंने 75 करा है, मैंने 85 करा है और मैं तो 95 करके टॉप हुआ हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ग्रेट सपोर्ट।